जो वहाँ पे ओनर्स होते थे वो हमको घंटों घंटों बिठा के रखते थे। वो समय चला गया कि आप लोगों के पास जाते थे, लोन के लिए लाइन में खड़े रहते थे, बार बार परमिशंस मांगते थे। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा ना, करोड़ों रुपए कमाओ विद ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। एंड आई एम हियर टू टेल यू दैट दिस इज नॉट अ क्लिकबेट वीडियो। May 27th, 2019, it is 12 AM in the night and I have more than 500 people with me who are celebrating my birthday. Believe me, it was a surreal feeling. And if you think about it, my journey that started from 500 rupees per month and now we have more than 500 people with me, it has indeed been a beautiful journey. One that has been tough, but I would live to do that again and again and again. आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आपने पढ़ा होगा हाउ टू अर्न करोड्स ऑफ रुपीस। लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ क्लिकबेट वीडियो। आई एम हियर टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ यू कैन एक्चुअली मेक दैट हैपन। दिस इज नॉट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। स्ट्रैटेजी इज व्हाट यू रिक्वायर टू बिकम सक्सेसफुल। एंड आई एंड माई टीम वी आर द लिविंग टेस्टिमोनियल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन मेक इट बिग विदाउट फंडिंग, without having a business experience, without having a mentor, and without even having a support, you can actually get big things in your life. I am Rahul Bhatnagar. I have been a professional speaker since the past 12 years and an entrepreneur since the past 8 years. And I want to tell you that in today's times, things have completely changed. Kuch saal pehle leke jata hu main aapko. Jab humne shuru kara tha hamari entrepreneurial journey ko, hota kya tha? Hum log kyunki market mein kaam karte the, hum log logon se milne jaate the, तो सपोज करो हम कुछ क्लाइंट्स के पास मिलने गए। जो वहाँ पे ओनर्स होते थे वो हमको घंटों घंटों बिठा के रखते थे। वो अंदर से हमको देखते थे लेकिन फिर भी मीटिंग के लिए आते ही नहीं थे। डिलिब्रेटली, हम लोग छोटे थे, हम लोग को लड़के कह के बोला जाता था, हम लोग को डिलिब्रेटली बार बार वेट कराया जाता था। वी रियलाइज कि इस तरीके से तो काम नहीं होगा। मॉनेटरी लॉसेज भी हो रहे थे, टाइम भी लॉस होता चला जा रहा था। नाउ वी रियलाइज कि अभी टाइम है टू मेक द ट्रांजिशन, टू शिफ्ट टूवर्ड्स द इंटरनेट। एंड यू गॉट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंटरनेट इज अ ग्रेट लेवलर। आज के टाइम पे अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनानी है, आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ना आपको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ेंगी। वो समय चला गया कि आप लोगों के पास जाते थे, लोन के लिए लाइन में खड़े रहते थे, बार बार परमिशंस मांगते थे। दैट टाइम हैज़ नाउ गॉन। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जो स्टॉक्स, ये भी तो हमारे सामने इंटरनेट की वजह से ही आया ना। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अभी बनती है कि आप कैसे खुद को आगे लेके जा सकते हो। अगर आप एक छोटी सिटी को बिलोंग करते हो, अगर आप एक बड़ी सिटी को बिलोंग करते हो, आपके पास कम रिसोर्सेज है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ऑल दैट डज नॉट मैटर। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू इट। वन रिक्वेस्ट, आप इस समय जो भी चीज़ और खोल के बैठे हो, वेदर इट इज़ व्हाट्सएप या वो कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगले कुछ मिनट के लिए प्लीज़ उसको हटा दो सो दैट यू कैन फोकस ओवर हियर। दिस इज अबाउट यू एंड योर लाइफ। एंड नाउ लेट मी टेल यू द फोर बिजनेसेस दैट यू कैन स्टार्ट, that we have done in our own lives that can generate a lot of revenue for yourself. आप जितने भी लोग हो, आप हर एक के पास स्मार्टफोन है, राइट? आप स्मार्टफोन से बहुत सारे वीडियोज भी बनाते हो। आपको यह भी समझ में आता है कि आज के टाइम पे वीडियोज आर द किंग। वीडियो कॉन्टेंट सबसे ज्यादा वायरल होता है, वीडियो कॉन्टेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है। एंड यू कैन प्रोड्यूस वीडियो कॉन्टेंट बाई जस्ट प्रेसिंग अ बटन। अभी आपको क्या करना है, आप अपनी सिटी के बारे में सोचो। आपकी सिटी में बहुत सारे जिम्स होंगे, बहुत सारे सलून्स होंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे। All of them require a video so that people can get to know about them. But ironically, they don't know how to produce a video. Unko pata nahi hai. Aap unke paas jao, unko bolo, I will make a video for you. Abhi doubt ye aata hai, wo aapko to jante nahi hai. Wo aapko video banane ki permission kyun denge? Yahi wali situation hamare samne bhi thi. Kaise karein, kya karein? Hum bahut sare restaurants ke paas gaye, kisi ne hi nahi bola, kisi ne bola hi nahi ki aap hamare liye videos banao. हमने एक दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई। व्हाट वी डिड वाज वी मेड वीडियोस फॉर टू रेस्टोरेंट्स, द टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स फ्रॉम माय सिटी। और मैं दोनों के पास गया और मैंने बोला ये देखो ये वीडियो हमने बनाया हुआ है, अब या तो आप इस वीडियो को अपने लिए ले लो, हम आपसे पैसे तो ले नहीं रहे, या फिर मैं दूसरे ब्रांड को दे देता हूँ। यू गॉट टू डू द सेम थिंग। यू गॉट टू रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन सो दैट यू कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। रिमेंबर दिस लाइन, अपॉर्चुनिटीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, but these are meant for only those people who grab those opportunities, and you got to do exactly the same. जैसे ही आपको आपके पहले तीन क्लाइंट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको पेड क्लाइंट्स मिलने अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। एंड बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड वीडियो कंटेंट, आप आगे चल के उसको और अच्छा भी करते चले जाओगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनाते चले जाओगे। एक छोटी सी चीज और करते हैं अभी। आई सी यू एज अ विनर इन लाइफ। यू आर अ विनर इन लाइफ, राइट?
Prove to me that you are a winner in life, because this video is for winners. Type in the comment section that I am a winner and prove to everyone that you are a winner. And why this exercise is also very important is because jab aap kaam karte ho active learning ke mode mein, to wo long lasting hoti hai. Wo aapke samay bahut lambe samay tak rehti hai. Agar aise pade hue ho, paise karke videos dekh rahe ho, to waise bhi kuch nahi hone wala. Apni ungliyon ko thoda sa takleef do. Aage chalte hain. The second thing that you should do is zero investment, jisse aap business banana start kar sakte ho. That is known as SMMA, Social Media Marketing Agency. Abhi naam se aap ghabrana mat, ki thoda sa difficult sa term hai. It is easy. Let me tell you, aap sabko pata hai ki social media kitni teji se badh raha hai. Ye cheez restaurants ko bhi pata hai, ye cheez chote businesses ko bhi pata hai, ye cheez bade businesses ko bhi pata hai. Lekin un logo ko tarika nahi pata ki wo apna presence kaise badhayein. Facebook ke upar, Instagram ke upar, LinkedIn ke upar, YouTube ke upar. You know everything. आपको पता है Facebook, Twitter, Instagram, इसके ऊपर फोटोज डालोगे, hashtags डालोगे, अपने आप ही ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा और उन बिजनेसेस की ब्रांडिंग होनी भी स्टार्ट हो जाएगी. सो वॉट यू गॉट टू डू इज फोटोग्राफ्स क्लिक करो, कॉन्टेंट क्रिएट करो, ब्रांड्स के पास जाओ. अगैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द बिगिनिंग फॉर द ब्रांड्स. वी डिड द सेम थिंग और हमने एक बहुत इंटेलिजेंट काम करा था. वी स्टार्टेड अप्रोचिंग द क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया. सो द अमाउंट दैट वी वर चार्जिंग दैम वॉज $1,000 फॉर वन क्लाइंट. अगर आप इंडियन करेंसी में देखते हो तो 70,000 रुपये से ज़्यादा है. अभी बीटेक करने के बाद भी लोगों को इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जॉब ही नहीं मिलती, अच्छी नौकरी तो छोड़ो. अंडरस्टैंड. और वो लोग आपको इतना पैसा इसलिए देंगे बिकॉज फॉर देम $1,000 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. बट आफ्टर यू हैव गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट, आफ्टर यू हैव गॉट योर सेकंड क्लाइंट, इमेजिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इनफ्लो दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ. एंड बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड स्टनिंग. और आप इतना अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करके दोगे, आपको आगे चल के मल्टीपल क्लाइंट्स भी मिलेंगे. इन द लैटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको ज्यादा क्लाइंट स्केल करने के लिए कैसे लेके आना है. सो आई शेयर्ड विद यू टू स्ट्रैटेजीज, ट्राइड एंड टेस्टेड, दैट वी हैव डन फॉर आर ओन सेल्व्स एज वेल. लेट मी गिव यू द थर्ड स्ट्रैटेजी. ये वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऊबर यूज करा होगा. अब आपको यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ऊबर के पास अपनी खुद की एक भी कार नहीं है. उन्होंने सब कुछ आउटसोर्स करा हुआ है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ड्राइवर्स उस पैनल के ऊपर जाते हैं, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, साइन अप करते हैं और अपने आप ही उनके पास बिजनेसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. आपको भी कुछ ऐसा ही करना है. आपको टैक्सी सर्विस नहीं स्टार्ट करनी, डोंट वरी. कहीं कोई बोल रहा है सर आप तो बड़े बड़े सपने दिखा के बोल रहे हो टैक्सी चलानी है यहाँ पे, पापा मम्मी मानेंगे नहीं. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आप एक काम करो, वेबसाइट बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है वेबसाइट बनाना, दूसरा होता है ग्राफिकल कॉन्टेंट बनाना. अब आपको ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए. वेबसाइट बनाने के लिए एक फ्री टूल है जिसका नाम है वर्डप्रेस, और अगर आपको एनिमेशंस बनाने तो एक canva.com नाम का टूल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो. अब इनके ऊपर जाके आप ब्रांड्स के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करो. एक और बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ. मे बी आपको ये लगता है सर ये तो बहुत टेक्निकल है, राहुल मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊँगा. लेट मी गिव यू वन मोर सिनेरियो. आप लोग इंटर्नशाला पे जाओ, हायर सम इंटर्न्स, टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई वांट. आप स्पोक्स पर्सन बनो, आप अपने लिए बिजनेस लेकर आओ, और जब आप अपने लिए बिजनेस लेकर आ रहे हो बाकी के लोग आपका कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे. आपको सिर्फ मैनेज करना है. दैट इज व्हाट अ बिजनेस इज ऑल अबाउट, राइट? सो यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी फॉर योरसेल्फ, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिलेट विद व्हाट ऊबर डज. यू गेट द बिजनेस एंड अदर पीपल डू द वर्क एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट क्रिएटिंग मोर पॉसिबिलिटीज फॉर योरसेल्फ. साउंड्स गुड? नाउ लेट मी गिव यू द फोर्थ स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अभी तक आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे जाते होंगे, कुछ पुरुष होंगे यहाँ पे जो सुंदर सुंदर महिलाओं की तस्वीरें देखते होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी जो बहुत सारे हैंडसम लोगों की, हैंडसम लड़कों की फोटोज देखती होंगी. बट यू कैन यूज इट फॉर अ ग्रेटर पर्पस एज वेल. आप में से हर एक इंसान किसी ना किसी एक चीज़ में तो अच्छा होगा. आप मान के चलो शायद आपको कुकिंग आता होगा, शायद आपको डांसिंग आता होगा, शायद आपको पब्लिक स्पीकिंग आता होगा, शायद आपको सोना बहुत ज़्यादा पसंद होगा. यू माइट बी गुड एटलीस्ट समथिंग इन लाइफ. नाउ व्हाट यू गॉट टू डू इज ऑन योर इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट पुटिंग इन मोर कॉन्टेंट अबाउट व्हाटएवर यू आर गुड एट. आप अगर बात करने में अच्छे हो पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स दो, कुकिंग में अच्छे हो खाने के टिप्स दो, ट्रैवल करने में अच्छे हो ट्रैवलिंग के फ्री टिप्स दो, और धीरे 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 करके क्रिएट अ फॉलोइंग फॉर योरसेल्फ. दिस इज नोन एज बिकमिंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर. अभी आप अगर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चेक करोगे, इट्स इन माई नेम राहुल भटनागर, आप देखोगे मैं बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स देता हूँ. तो ऑटोमेटिकली मेरे पास बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कॉलेजेस बुलाते हैं, पीपल एनरोल इन माई कोर्स ओनली बिकॉज दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट कमिंग फ्रॉम माई साइड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस डज नॉट रिक्वायर मनी. But what it only requires is consistency. You have to put in your content on a regular basis and you would realize ki bahut sare log aapko follow karna already start kar chuke hain. Ab abhi tak maine aapko samjhaya ki aap ye shuru kar sakte ho, charo businesses start kar sakte ho. But now the problem is abhi tak aap karodon rupaye tak nahi pahunche.
वहाँ तक जाने के लिए तो आपको एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है. एक सवाल है मेरा आपसे, जस्ट थिंक हाउ मेनी पीपल इन आर कंट्री वुड एक्चुअली बी मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. मे बी जस्ट 0.1%, मे बी जस्ट 0.01%, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू दैट कैटेगरी, यू ऑल्सो शुड नो द वे अहेड एंड द स्ट्रैटेजी. यू हैव टू डू इट टूडे and make it happen today, ladies and gentlemen. Pause the video and write in the comment section, what is your greatest dream? Daro mat, likhne se ki aapko kya chahiye, aapko kya achieve karna hai. Let people make fun of you, that does not matter. But you got to believe that this is my dream. Write down your dream and work upon it. Let me give you the step-by-step structure, aapko isko scale up kaise karna hai. Sounds good? Understand. सबसे पहली चीज, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, बिजनेस में हो, नेटवर्किंग में हो, कोई भी काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा वैल्यू दो. डोंट थिंक कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर एक ही वीडियो बना रहा है, दो ही वीडियोस बना रहे हैं, वो एक ही पोस्ट डाल रहे हैं. आपको भर भर के कंटेंट डालना है. गो चेकआउट माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, एवरी 20 मिनट्स इज अ स्टोरी. आई एम गाइडिंग पीपल टू डू समथिंग, आई एम हेल्पिंग पीपल टू डू समथिंग. इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम माइटी सक्सेसफुल इन योर निश एंड योर सेक्टर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी. वेन यू गिव मैक्सिमम वैल्यू, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो पता है क्या बोलते हैं, दिस इज वॉट पीपल से टू अस, यार पर्सनल लाइफ भी तो बनाओ, कुछ अपने लिए भी तो करो, कुछ अपने लिए समय भी तो निकालो. बिकॉज व्हेन पीपल कांट कम्पीट यू, वो फिर ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दैट इज द लेवल वेयर आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीच अप टू. द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू इज, जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़े ऑफिस बना लेते हैं, हम लोग कार खरीद लेते हैं, बहुत लाविश जगह पे जाना शुरू कर देते हैं. यू फॉरगेट, आपने जो काम करा है वही आपको आज तक यहाँ पे लेकर आया. आज की डेट में भी यू नो अबाउट आर कंपनीज टर्न ओवर, लास्ट ईयर वॉज मोर देन $1 million, दिस ईयर वी प्लान टू ट्रिपल दैट. बट वॉट वी डू इज वी डोंट वेस्ट मनी, वी डोंट वेस्ट रिसोर्सेज. आई इन्वेस्ट ऑल माई मनी बैक इन टू माई वर्क. अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि पैसा वेस्ट करके आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं बन सकता. सो द मनी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर वर्क और योर बिजनेस शुड बी री इन्वेस्टेड इन टू योर बिजनेस, ओनली देन विल योर बिजनेस ग्रो. द थर्ड थिंग दैट यू शुड डू इज, please understand, this is mighty, mighty important. Treat people as you want to be treated in your own life. जो आपके YouTube के subscribers हैं ना, वो subscribers नहीं हैं, वो लोग हैं. जो आपके videos देखते हैं, अगर मेरा video 1,000 लोग देखते हैं, वो 1,000 views नहीं हैं, वो 1,000 लोग हैं. जिस दिन आप लोगों की तरह treat करना start कर दोगे, when you will start loving people, when you will start valuing people, when you will start giving a lot of value to people, when you will start treating them like they want to be treated, you would automatically realize that good things have started happening in your life. Ek bahut important tip hai. Make money your byproduct. Please understand, make money your byproduct. Indulge in service and you would realize that money is starting and money has poured in from all the directions for you, provided you have made money the byproduct and you have made people your topmost priority. Business at the end of the day is all about people. Mere jitne bhi followers hai, jitne bhi log mujhe follow karte hain, ये तो लोग बोल सकते हैं कि राहुल बहुत ज्यादा मेल करता है, खरीदने के लिए बार बार बोलता है, परेशान करता है, बट नॉट इवन वन पर्सन विल से दैट ही डज नॉट वैल्यू अस एंड ही डज नॉट गिव अस अ लॉट ऑफ कंटेंट. एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट यू शुड डू फॉर योरसेल्फ. द फोर्थ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल योर बिजनेस इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ओवर डिलीवर. अगर आपने लोगों को बोला है 4 घंटे का कॉन्टेंट होगा, 6 घंटे का करो, पहले तो प्रोमिसेस फुलफिल करो, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डोंट इवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस. यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम. सो स्टार्ट ओवर डिलीवरिंग, स्टार्ट गिविंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट. The event that we did in Goa, there we provided people with 45 hours of live content. Just imagine, 45 ghante ka jab aap live content logo ko dete ho, they were like overwhelmed. Isi wajah se wo raat ko 1-1 baje tak hamare sang ruke bhi the. So you got to over deliver. When I train my people, when I do weekly webinars, I do webinars for 4 hours, 4.5 hours. Even there was a webinar. Webinar is jab main online seminar karta hu, jo 7.5 ghante tak chala tha, jo maine aur mere chote bhai ne kara tha. Why? बिकॉज जब तक किसी भी दिमाग इंसान के दिमाग में एक भी सवाल है, वी आर देयर, वी आंसर देयर क्वेरीज, वी आंसर व्हाटएवर दे हैव. बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग पीपल, जो आपका नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट गेट योर नेम डिमीन्ड, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हेन यू वर बॉर्न विदाउट एन आइडेंटिटी, बट व्हेन यू डाई विद अ नेम, यू डाई विद एन आइडेंटिटी. सो यू गॉट टू इंश्योर That identity should create history and people should not forget it very, very easily. Make it happen. The next thing which is extremely important, which a lot of people fail upon, is creating your big team. आपको आपकी टीम में बहुत सारे लोग लेकर आने हैं. For example, मान के चलते हैं आपके पास 2 clients हैं जो आपको $1,000 दे रहे हैं एक महीने का.
कितना पैसा होता है वो, 1,40,000 रुपये आपको पहुंचाना है उसको, 8,00,000 रुपये, एक महीने में 8,00,000 पहुंचेगा तभी एक साल का करोड़ रुपीज़ पहुंचेगा, राइट। वो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको आपकी टीम में और लोग चाहिए। नेवर बी अफ्रेड कि लोगों को हायर करूंगा तो मेरी सैलरीज बढ़ जाएंगी, मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ अ रियली रॉन्ग अप्रोच। हायर मोर पीपल, गेट देम टू वर्क विद यू, इंक्रीज योर टीम, इंक्रीज योर पे रोल, उसके बाद ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, खुद से वीडियो नहीं एडिट कर सकते, खुद से स्पीचेस नहीं डाल सकते, खुद ही से सारे काम कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो व्हाट यू गॉट टू डू इज इंक्रीज योर टीम साइज, अनलेस एंड अंटिल द विजन इज अलाइंड द रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू कम पीपल। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझाना कि आपको ये करना है, आपको लोगों को ओवर डिलीवर करना है, आपको लोगों को साथ में जोड़ के चलना है। जब आप ये सारी चीजें करोगे तो रिजल्ट्स आपके पास अपने आप ही आने लग जाएंगे। Now let me ask you the question that I asked you in the beginning. Do you feel that earning money is really tough? It is not that it is tough, but it is that you need to know the strategies. You need to be known for your work ethics. You might be really talented, really good looking, but till the time log ye nahi bolte yaar wo to pagal hai, wo na 13-13, 14-14 ghante kaam karta hai. Mujhe log bolte matlab aap Goa mein jaake rehte ho, aap party karne ke liye beaches nahi jate, aap boozing mein involved nahi hote, aap इधर उधर अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब नहीं, वाई आई हैव गॉन देयर इज बिकॉज आई वांटेड पीस ऑफ माइंड, सो आई गो टू द बीचेस ओनली अर्ली मॉर्निंग टू फोकस अपॉन माय वर्क, एंड एवरी टाइम एल्स वी आर वर्किंग वर्किंग एंड ओनली वर्किंग। बिकॉज बिलीव मी, जिस दिन आपके पास वर्क का एडिक्शन आ जाएगा ना, बाकी सारे एडिक्शन विल गो आउट ऑफ द विंडो। आपको किसी भी और चीज में एडिक्शन रहेगा ही नहीं जब आपके पास वर्क वाला एडिक्शन आ जाएगा। कोई भी काम आप करो इतना ज्यादा डेडिकेशन के संग करो कि लोग बोले यार ये तो लिटरली पागल हो गया, आप इतना काम कर कैसे सकते हो। And when you will be working like that, only then will your team members also emulate the same. वो लोग भी तो तभी इतना काम करेंगे ना जब आप अपने लिए खुद से करने लग जाओगे। Two more things. One, communication skills. And I'm dead serious about it. जब तक आपकी communication skills अच्छी नहीं होंगी, जब तक आपके दिमाग में जो है वो आप लोगों को नहीं बता पाओगे, आपके पास business नहीं आएगा, आपके लिए opportunities create नहीं होंगी। Work upon creating impeccable communication skills. When you talk, people should listen to you. एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, एक साल में तो होगा, दो साल में तो होगा, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्थ इट। एंड द सेकंड थिंग इज इंक्लूड योर, इंक्रीज योर पर्सनल ब्रांडिंग। जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है ना उसको बढ़ाते चले जाओ, बहुत सारा कंटेंट लोगों को देते चले जाओ, क्योंकि जब लोग आपको जानेंगे आपके पास अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। कोई भी स्पीकिंग असाइनमेंट्स मिले फ्री या पेड जाके कर लो, किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है मुझे कुछ लोग सुनने आने वाले हैं जाके करो, YouTube लाइव करो, जो भी कर सकते हो डू इट, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो अबाउट यू। बिकॉज मोर पीपल नोइंग यू वुड ऑटोमेटिकली मीन मोर मनी, मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर ग्रोथ, मोर रेवेन्यू फ्लोइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। दीज आर ऑल द थिंग्स वेन कंबाइंड टूगेदर बिजनेसिस विल बूम लाइक एनीथिंग। यू डोंट नीड फंडिंग पीपल, यू डोंट नीड रिसोर्सेज, you don't need anything else. Aapko logo ke chakkar nahi kaatne, all that you want is a dream, a vision, an action plan, and yes, a lot of dedication to work upon it continuously, day in and day out, and believe me, the results are going to come your way. Ek kaam karo, pakad ke karo aur regularly karte chale jao. Thakna mana hai, rukna mana hai, aur jhukna to bilkul hi mana hai. Ladies and gentlemen, we live just once. You got to make it grand, make it grand for you, for your family members, and for everyone else. Love and respect. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.